नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल। वेलकम टू माय चैनल जीवन देखो। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज एक हम टिप्स में देखेंगे तरबूज के बारे में। जी हाँ, बाजार में बहुत सारे तरबूज बारे में, यही आज हम हिंदी टिप्स में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए आगे नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो तरबूज है ये आप खाते हैं सिर्फ आपके पानी पीने के वक्त, आपको बहुत प्यास लगती है तब खाते हैं। ये खरीदने जाते हैं तो ये इस लाल रंग को देखकर आपको उसे खाने की जो चाव लगती है, तो दोस्तों वो अच्छे, क्योंकि इसके खाने से हमें जो भी फायदा रहता है वो हम देखते हैं। दोस्तों, हम ये तरबूज जब भी खाते हैं उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है, हमारी प्यास वो बुझ जाती है, हमारा गला जो सूखा होता है वो तरबूज खाने के कारण गीला हो जाएगा, और हमारे शरीर में जो भी पानी की कमी होती है वो ठीक हो जाएगी। इस तरबूज खाने के हमारे शरीर, हमारा दिमाग ठंडा रहता है, उससे हमें गुस्सा कम आता है, गुस्सा नहीं आता। और दोस्तों, इसमें ऐसी एक बात है कि ये जो हम तरबूज खाते हैं वो लाल रंग हमारे हीमोग्लोबिन ठीक करने में, उसे रंग देने में बहुत अच्छा काम आता है। और दोस्तों, आप ये तरबूज जब खाते हैं तो आपकी जो बदहजमी वो भी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। और इसके बीज होते हैं, वो बीज आप अगर रगड़ कर उसका लेप, उसमें हल्दी मिलाकर आप आपके माथे पर लगाएंगे तो आपका जो दिमाग दुखता है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बीज हम खाने में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, पट्टेड वाले, रेस्टोरेंट वाले इस बीज की पाउडर बनाकर मसालों में डालते हैं, उससे बहुत अच्छी टेस्ट खाने में आती है। तो दोस्तों, इस कलिंगड़ के फायदे आप जानिए। इस कलिंगड़ से होता है हमें बहुत सारा फायदा। अगर इसकी जो छिलका होता है वो छिलका, या हम जो खाने वाला लाल पदार्थ है वो भी हम हमारे शरीर पर मलते रहेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी निखार आ जाएगी, हमारे स्किन पर निखार आ जाएगी। जी बिल्कुल, आप वही लेप हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर लगाएंगे तो हमारा चेहरा निखार आ जाएगा, तेजी आ जाएगी। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा पानी होता है जो हमारे प्यास को, हमारे शरीर के पानी की कमियों को ठीक करता है। तो दोस्तों, ये तरबूज आप ज़रूर खाइए, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो भी आप तरबूज खाएंगे उसमें कोई भी इंजेक्शन दिया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, बिगर केमिकल वाला ही तरबूज आप खाइए। उसे इंजेक्शन देते हैं लाल दिखने के लिए, लेकिन कई कई बार वो कच्चा होता है फिर भी वो लाल दिखता है उस इंजेक्शन के कारण। तो दोस्तों, आप खाइए ज़रूर, पर ध्यान रखिए। तो चलो दोस्तों, हम अगले वीडियो